हेलो दोस्तों, तो आज का मुकाबला यहाँ पर भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच में बेहतरीन ओडीआई मैच होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ओडीआई बल्लेबाजी यहाँ पर तैयार है। यहाँ पर क्या लगता है दोस्तों, भारतीय टीम आज इस ओडीआई को अपने नाम पे कर पाएगी? जरूर कमेंट में बताइए। और साहब सभी का स्वागत है यहाँ पर चैनल पर जुड़ने के लिए, सभी का बहुत ही बहुत तहदिल से धन्यवाद। जी हाँ दोस्तों, भारतीय टीम सूर्य कुमार यादव एंड ईशान किशन 41 बॉल पर 101 रन की दरकार यहाँ पर जीतने के लिए। जी हाँ दोस्तों, इस बार पहली बॉल बेहतरीन टाइमिंग यहाँ पर और डॉट बॉल के साथ यहाँ पर अगली बॉल होती हुई यहाँ पर। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छी बॉलिंग यहाँ पर देखने मिली हमें आज। भारतीय टीम यहाँ पर बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करना जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस बार अगली बॉल तैयार है यहाँ पर सूर्य कुमार यादव, बेहतरीन टाइमिंग, लेकिन फील्डर मौजूद है जिस में भी आसानी से पकड़ा है उस बॉल को। लाजवाब बॉलिंग यहाँ पर साउथ अफ्रीका के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, 3 बॉल पर 3 डॉट डाल दिया यहाँ पर सूर्य कुमार यादव को। सूर्य कुमार यादव ने आपने कल देखा कितनी अच्छी बैटिंग की, एक ओवर में 3 छक्के मारे थे वहां पर। इस बार उठाया है सूर्य कुमार यादव ने, 6 रन के लिए भेजा है बॉल को। क्या बल्लेबाजी, क्या शॉट मारा है, बल्ले पे बैठ गई वहां पर, 6 रन के लिए भेज दी। लाजवाब बल्लेबाजी यहाँ पर, टाइमिंग पर नजर डालिए, बल्ले पे बहुत अच्छी बैठी थी वहां पर, बीच बल्ले से निकली वहां पर ग्राउंड के बाहर, 6 रन के लिए जाती हुई। लाजवाब बल्लेबाजी, तेज और लाजवाब बल्लेबाजी। जी हाँ दोस्तों, क्या शॉट मारा वहां पर, बिल्कुल भी वहां पर किसी फील्डर को मौका नहीं वहां पर। सूर्य कुमार तो जानते हैं 38 बॉल पर 95 रन की दरकार यहाँ पर। अगली बॉल तैयार, एक और सामने उड़ाया यहाँ पर। जी हाँ दोस्तों, जो वहां पर सेलिब्रेशन किया था, अब सूर्य कुमार यादव उसको नहीं छोड़ने वाले। क्या छक्का मारा है, बल्ले पे बहुत अच्छी बैठी वहां पर, हवाई यात्रा पर, 6 रन के लिए जाता हुआ, बेहतरीन बल्लेबाजी यहाँ पर। टाइमिंग पर नजर डाले, बिल्कुल भी हिले डुले नहीं, और बेहतरीन और लाजवाब छक्का जड़ दिया यहाँ पर सूर्य कुमार यादव ने। जानते हो बल्लेबाजी करना। जी हाँ दोस्तों, सूर्य कुमार यादव, क्या टाइमिंग है, लाजवाब टाइमिंग यहाँ पर देखने मिली हमें। यहाँ पर भारतीय टीम आज अगले ही अंदाज में खेल रही है यहाँ पर। इस बार अगली बॉल यहाँ पर एक और हवा में, 3 बॉल पर 3 छक्के यहाँ पर, बेहतरीन बल्लेबाजी, क्या बल्लेबाजी यहाँ पर। जी हाँ दोस्तों, भारतीय टीम बहुत ही तगड़ी फॉर्म में यहाँ पर चलती हुई। जी हाँ दोस्तों, जॉर्ज लिंडे को ओवर दिया है, जो कि 36 बॉल पर 83 रन की दरकार यहाँ पर भारतीय टीम को जीतने के लिए। क्या लगता है दोस्तों, बना पाएगी या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी, तो टीम पर डिपेंड करता है। इस बार पहली बॉल ईशान किशन का 4 रन के लिए जाती हुई, शुरुआत 4 रन से की है यहाँ पर भारतीय टीम ने। जी हाँ दोस्तों, कितनी अच्छी बल्लेबाजी। क्या लगता है दोस्तों, कौन सी टीम जीतेगी यहाँ पर, ईशान किशन एंड सूर्य कुमार यादव आज क्या करने के लिए देख पाएंगे यहाँ पर? कितनी अच्छी टाइमिंग थी, टाइमिंग पर नजर डाली, बल्ले पे बैठती वहां पर, हवाई यार गैप में शॉट वहां पर जड़ दिया। जी हाँ दोस्तों, कितना तेज शॉट खेला यहाँ पर, अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर। जी हाँ दोस्तों, क्या लगता है कौन सी टीम विन करने वाली है आज इस मैच को? सूर्य कुमार यादव ने निशान किशन मौजूद जरूर। इस बार अगली बॉल यहाँ पर बड़े शॉट की तलाश, इस बार हवा में बेहतरीन शॉट, 6 रन के लिए जाता हुआ। जी हाँ दोस्तों, लाजवाब 6 रन वहां पर जड़ दिए। भारतीय टीम बेहतरीन बल्लेबाजी यहाँ पर करती हुई, बल्ले पे बहुत ही अच्छी बैठी थी वहां पर, हवाई यात्रा पर जाता हुआ, लाजवाब शॉट। जी हाँ दोस्तों, क्या बल्लेबाजी, एक और छक्का यहाँ पर ईशान किशन द्वारा। ईशान किशन ने वहाँ पर बेहतरीन यहाँ पर शॉट लगाया, लाजवाब छक्का था वो। इस बार अगली बॉल तैयार है यहाँ पर टीम भारतीय टीम के, यहाँ पर ईशान किशन ने और बल्ले पे एज लगाया, पता नहीं, और ये विकेट है यहाँ पर भारतीय टीम की। जी हाँ दोस्तों, ये विकेट मिल चुकी है यहाँ पर, ये शायद एज लगाए, रन आउट हुए, ये तो मुझे नहीं तो बता सकता, यहाँ पर दिखाई नहीं है, क्योंकि कुछ भी नहीं दिखा है वहां पर, ये तो भारतीय टीम पर डिपेंड करता है, एज लगाया नहीं यहाँ पर, ओ ये तो एज लगाया। जी हाँ दोस्तों, एज लगाए और भारतीय टीम यहाँ पर ईशान किशन के यहाँ पर चलता किया है। जी हाँ दोस्तों, अब तो रिंकू पे भरोसा दिखाना होगा भारतीय टीम को। रिंकू सिंह एंड सूर्य कुमार यादव दोनों क्रीज पर मौजूद है यहाँ पर आते हुए। जी हाँ दोस्तों, रिंकू सिंह एंड सूर्य कुमार यादव, 33 बॉल 73 रन की दरकार भारतीय टीम को जीतने के लिए, डिपेंड भारतीय टीम इनके ऊपर रहेगी। इस बार बड़े शॉट की तलाश यहाँ पर, यहाँ पीछे फील्डर मौजूद जरूर है, उसके ऊपर से 6 रन यहाँ पर, रिंकू ने पहली बॉल पर छक्का जड़ा यहाँ पर, क्या बल्लेबाजी रिंकू सिंह की यहाँ पर। लिंडे को यहाँ पर पहली बॉल पर इतना अच्छा शॉट मारा है कि टाइमिंग बहुत ही अच्छी वहाँ पर रिंकू सिंह की। जी हाँ दोस्तों, रिंकू सिंह फॉर्म में रहते हैं, ओ लाजवाब बल्लेबाजी यहाँ पर रिंकू सिंह एंड सूर्य कुमार यादव मौजूद जरूर है यहाँ पर। भारतीय टीम अच्छी परिस्थिति में यहाँ पर लड़ती हुई, क्योंकि सूर्य कुमार यादव तेज खेल रहे हैं और रिंकू भी बल्लेबाजी अच्छे से करना जानती है। 32 बॉल 67 रन की दरकार भारतीय टीम जीतने के लिए। इस बार छोटी बॉल यहाँ पर डिफेंस के 8 रन के लिए बहुत लेट भाग गया। जी हाँ दोस्तों, बहुत लेट, और डायरेक्ट थ्रो होता था, विकेट मिल जाए
जाती है यहाँ पर, लेकिन टाइम पर पहुंच चुके बल्लेबाज। जी हाँ दोस्तों, क्या बल्लेबाजी, बेहतरीन और लाजवाब वहाँ पर शॉट खेला वो सूर्य कुमार यादव ने। जी हाँ दोस्तों, रिंकू सिंह ने वहाँ पर स्ट्राइक दिए सूर्य कुमार यादव को, क्योंकि पता है सूर्य कुमार यादव फॉर्म में जरूर दिख रहे हैं यहाँ पर। जी हाँ दोस्तों, इस बार स्टैंप आउट सूर्य कुमार यादव, टाइमिंग लाजवाब वहाँ पर, 6 रन के लिए भेज दिया है शॉट। टाइमिंग देखिए वहाँ पर कितनी अच्छी की है सूर्य कुमार यादव ने, स्टैंप आउट किया और बेहतरीन लाजवाब छक्का जड़ दिया स्टंप पे, और स्टंप पे बाहर थी वो बॉल और उस बॉल को जाने दिया 6 रन के लिए। क्या बल्लेबाजी है, कितनी तेजी शॉट खेला यहाँ पर, लाजवाब बेहतरीन फॉर्म में यहाँ पर। जी हाँ दोस्तों, मजा आ गया ऐसा शॉट देख कर यहाँ पर, बेहतरीन लाजवाब। तबरेज़ शामसी, सामने है रिंकू सिंह। जी हाँ दोस्तों, तबरेज़ शामसी यहाँ पर जानते हैं बढ़िया बॉलिंग करते हैं वहाँ पर, इस बार छोटी बॉल वहाँ पर 1 रन के लिए खेला शॉट। जी हाँ दोस्तों, बहुत लेट भागे हैं, पहुँच पाएंगे नहीं पहुँच पाएंगे वहाँ पर, डायरेक्ट थ्रो लगा लेकिन टाइम पर बैट आ चुका था वहाँ पर। अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर भारतीय टीम द्वारा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि टीम फॉर्म में चल रही है यहाँ पर, 29 बॉल 69 रन की दरकार यहाँ पर। सामने है सूर्य कुमार यादव अगली बॉल उनके लिए। जी हाँ दोस्तों, इस टाइम यहाँ पर एक बेहतरीन डिफेंस यहाँ पर। जी हाँ दोस्तों, लाजवाब डिफेंस वहाँ पर, बल्ले पे लगती वहाँ पर रन के लिए बिल्कुल भी नहीं भागे, जानते हैं वो कि कितनी खतरनाक यहाँ पर बॉलिंग कर रहे हैं ये बॉलर शामसी। जी हाँ दोस्तों, शामसी जब बॉलिंग करते हैं तो अलग ही अंदाज में करते हैं यहाँ पर। अगली तैयार यहाँ पर भारतीय टीम, इस बार स्टैंप आउट किया है शामसी पर, सामने की तरफ भेजा है बिल्कुल, बेहतरीन छक्का जड़ दिया यहाँ पर सूर्य कुमार यादव ने। क्या बल्लेबाजी है भारतीय टीम के लिए, सूर्य कुमार यादव हमेशा खड़े रहते हैं जब T20 का मुकाबला हो तो। जी हाँ दोस्तों, क्या शॉट मारा है, लाजवाब शॉट यहाँ पर, बल्ले पे निकलती वहाँ पर गई गैप में और ऊंचा छक्का यहाँ पर, और स्टंप के बाहर यहाँ पर बॉल आई थी लेकिन वहाँ पर इतनी अच्छी टाइमिंग के 6 रन जड़ दिए यहाँ पर। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर। अगली बॉल यहाँ पर तैयार जरूर है भारतीय टीम के कैप्टन। जी हाँ दोस्तों, सूर्य कुमार यादव इस बार एक और स्टंप के बाहर आए जरूर थे वहाँ पर, लेकिन रन के लिए नहीं भागे वहाँ पर। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जानते हैं वहाँ पर बाहर निकले थे 6 रन की कोशिश कर रहे थे सूर्य कुमार यादव, लेकिन नहीं वहाँ पर जाने दिया। बहुत ही अच्छी यहाँ पर लाजवाब बेहतरीन, और इस बार अगली बॉल यहाँ पर, इस बार और स्टंप के बाहर एज लगाया पर सूर्य कुमार यादव को चलता किया है, बल्ले में लगी बॉल। जी हाँ दोस्तों, नहीं पढ़ पाए सूर्य कुमार यादव वहां पर, और यहाँ पर विकेट दे बैठे, बड़े साउंड की तलाश कर रहे थे वहां पर सूर्य कुमार यादव, लेकिन वहां पर फंसाया बल्ले बॉलर ने वहां पर, कितनी अच्छी बॉल डाली यहाँ पर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बेहतरीन बॉलिंग यहाँ पर देखने मिली हमें यहाँ पर, ए ओ बड़े साउंड की तलाश, और सूर्य यहाँ पर 27 बॉल पर 38 रन बनाकर जा चुके हैं यहाँ पर। जी हाँ दोस्तों, रविंद्र जडेजा एंड रिंकू सिंह मौजूद जरूर यहाँ पर, रिंकू एंड रविंद्र जडेजा 25 बॉल 53 रन की दरकार, रविंदर जड्डू। जी हाँ दोस्तों, पहली बॉल शामसी, लास्ट बॉल शामसी की इस ओवर की। जी हाँ दोस्तों, बेहतरीन टाइमिंग यहाँ पर, बल्ले पे अच्छी नहीं आई थी वहाँ पर, 1 रन के लिए भागा जो कि आसानी से कंप्लीट किया वहाँ पर, अच्छी रन रेटिंग यहाँ पर, 1 रन आता हुआ और ओवर समाप्त, स्ट्राइक रखेंगे जड्डू अपने पास। जी हाँ दोस्तों, क्या लगता है दोस्तों, 24 बॉल पर 52 रन बना पाएगी भारतीय टीम, ये तो लगता है कि जी हाँ जरूर बना लेगी अगर ऐसे ही खेलती रही। यहाँ पर टाइमिंग अच्छी है, लाजवाब टाइमिंग, पीजे फील्डर मौजूद जरूर है, 1 रन के लिए भागे जो क्या साइंस यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बेहतरीन रन रेटिंग यहाँ पर भारतीय टीम द्वारा, क्योंकि भारतीय टीम अपनी फॉर्म में रहती है यहाँ पर, लाजवाब फॉर्म में रहती है ये टीम। रविंद्र जडेजा एंड रिंकू सिंह, जी हाँ दोस्तों, रिंकू सिंह इस बार सामने करेंगे अगली बॉल का। जी हाँ दोस्तों, रिंकू सिंह ने यहाँ पर बेहतरीन टाइमिंग, पीछे फील्डर मौजूद है लेकिन फील्डर का आगे से 4 रन के लिए भेज दिया है, कितनी अच्छी टाइमिंग वहाँ पर, बल्ले पे बहुत ही अच्छी बैठी थी, गैप में शॉट और 4 रन जड़ दिए यहाँ पर, लाजवाब बल्लेबाज, क्या टाइमिंग है, वाओ ब्यूटीफुल कवर ड्राइव यहाँ पर रिंकू सिंह, लाजवाब बल्लेबाज यहाँ पर, 22 बॉल पर 47 रन की दरकार भारतीय टीम को जीतने के लिए। जी हाँ दोस्तों, अगली बॉल बेहतरीन शॉट, इस बार भी सेम टू सेम शॉट मारा है, इस बार भी गैप में एक और चौका, 2 बॉल पर 2 चौके जड़ दिए यहाँ पर भारतीय टीम ने, क्या बल्लेबाजी है, टाइमिंग बहुत ही अच्छी वहाँ पर रिंकू की, खड़े खड़े शॉट खेला फिर रन के लिए भी नहीं भागे वहाँ पर, क्योंकि जानते हैं वहाँ पर ये बल्लेबाजी करना और बेहतरीन बल्लेबाज है, क्योंकि जब ये बॉलिंग करते हैं तो लाजवाब बल्ले बॉलिंग करते हैं, लेकिन वहाँ पर बल्लेबाजी जब रिंकू करते हैं तो बेहतरीन करते हैं वहाँ पर, रिंकू बल्लेबाजी अगर ऐसे ही करते रहे
तो भारतीय टीम को हारना कोई मामूली बात नहीं, पर हारी कभी नहीं वो टीम। इस बार एक और ये तीसरा चौका इस ओवर का, क्या शॉट मारा है पर बहते ही शॉट यहाँ पर, लाजवाब चार रन, क्या बल्लेबाजी है ये। ऐसी टाइमिंग अगर चलती रही यहाँ पर मजा आ जाएगा ऐसी बल्लेबाजी देखकर। यहाँ पर बेहतरीन शॉट यहाँ पर, क्या शॉट मारा है, लाजवाब टाइमिंग यहाँ पर। जी हाँ दोस्तों, अगली बॉल यहाँ पर और तैयार बल्लेबाज। इस बार और स्टंप के बाहर निकले, इस बार छह रन के लिए उठाया है, छह रन के लिए भेजा है। जी हाँ दोस्तों, लाजवाब शॉट वहां पर, चार रन के लिए जाता हुआ, क्या बल्लेबाजी है, बेहतरीन शॉट यहाँ पर। किसी फील्डर को मौका नहीं वहां पर, तेज और रफ्तार बनाकर शॉट गया वहां पर, क्या बल्लेबाजी, क्या छक्का मारा यहाँ पर रिंकू सिंह ने। जी हाँ दोस्तों, बेहतरीन बल्ले पे आई थी वो बॉल। जब भारतीय टीम यहाँ पर ऐसे लड़ती है तो मजा आ जाता है उनकी बैटिंग देखकर। रिंकू सिंह 19 बॉल पर 33 रन की दरकार। जी हाँ दोस्तों, तैयार यहाँ पर रिंकू सिंह, आगे बढ़ेंगे जरूर इस बॉल पर। एक बार निकले बाहर और वहीं पे खड़े खड़े खेले। जी हाँ दोस्तों, रन के लिए बिल्कुल भी नहीं भागे ये टीम यहाँ पर, क्या बल्लेबाजी, मजा आ गया ऐसी बल्लेबाजी देखकर। यहाँ पर बेहतरीन फॉर्म में ये टीम, क्या शॉट मारे हैं वहां पर, क्या शॉट मारा है, क्या बल्लेबाजी है ये, बेहतरीन बल्लेबाजी। 18 बॉल पर 33 रन की दरकार भारतीय टीम को जीतने के लिए। जी हाँ दोस्तों, इस बार अगली बॉल यहाँ पर बाहर निकले थे लेकिन वहां पर जाने दिया बॉल को और जल्दी से वहां पर कवर किया। जी हाँ दोस्तों, शाम सिंह वहाँ पर, जडेजा को वहाँ पर स्टंप के बाहर तरफ निकलना चाहते थे वहाँ पर रविंदर जड्डू, और जो कि नहीं निकल पाए वहाँ पर। बेहतरीन टाइमिंग, इस बार नीचे फील्डर मौजूद वहाँ पर, रिंकू सिंह को वहाँ पर पकड़ा गया है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय टीम यहाँ पर 16 बॉल पर 32 रन की दरकार है। क्या लगता है दोस्तों, बना पाई या नहीं, ये तो भारतीय टीम पर ही डिपेंड करता है, क्योंकि भारतीय टीम जब तक ऐसी चलती रही तो उस टीम को कोई हराने वाला पैदा नहीं हुआ है। जा जवाब बल्लेबाज यहाँ पर, इस बार अपील लेग में खेला है शॉट, बेहतरीन टाइमिंग, कट गया है खाली। जी हाँ दोस्तों, फील्डर बहुत दूर है लेकिन रन के लिए भागे हैं, दूसरे रन की और ये डायरेक्ट थ्रो है, और जब डायरेक्ट थ्रो होता है तो यहाँ पर विकेट जरूर जाती है भारतीय टीम की। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर भी एक और विकेट गिर चुकी है भारतीय टीम की, रन आउट हुए यहाँ पर, भागना चाहते थे वो, दो रन की मांग थी वहां पर, लेकिन डायरेक्ट थ्रो इतना अच्छा लगा वहां पर, दूर रह गए थे वहां पर। जी हाँ दोस्तों, बहुत दूर रह गए थे और विकेट चली गई वहां पर। जी हाँ दोस्तों, बेहतरीन यहाँ पर, लाजवाब वहां पर, क्या बॉल है, क्या बॉल थी, और वहां पर कट किया था लेकिन वहां पर आउट हो चुका है रिंकू सिंह। जी हाँ दोस्तों, बड़ी सफलता यहाँ पर मुकेश कुमार एंड रविंदर जडेजा को, आज ये बल्लेबाजी करके दिखानी होगी अगर जीतना है तो इस महामुकाबले को। ये तो यहाँ पर टीम पर ही मुकाबला, यहाँ पर बेहतरीन शॉट, इस बार डायरेक्ट हाथ में नहीं देना चाहते थे वहाँ पर। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर, क्या शॉट मारा है, लाजवाब फॉर्म में यहाँ पर भारतीय टीम। जी हाँ दोस्तों, मुकेश कुमार एंड रविंदर जड्डू यहाँ पर, बेहतरीन बल्लेबाज यहाँ पर, इस बार लेग में पीछे की तरफ कट गया है वापस। यहाँ दोस्तों, इस बार तो दो रन की मांग है, जो कि आसानी से यहाँ पर दो रन मिल जाएंगे क्योंकि फील्डर बहुत दूर थे वहाँ पर। एक और रन, दो रन आते हुए इस ओवर से अभी तक। जी हाँ दोस्तों, क्या बल्लेबाजी है, ये ओवर बहुत महंगा साबित हो रहा है ये वाला। बेहतरीन फॉर्म अगर ऐसी चलती रही तो भारतीय टीम इस महामुकाबले को जल्दी से जन्म दिन कर सकती है यहाँ पर। इस बार कट शॉट खेलने की कोशिश की वहाँ पर सूर्य कुमार यादव ने, जो सॉरी वहाँ पर रविंदर जडेजा ने, और एक रन के लिए भागे जो कि आसानी से कंप्लीट किया वहाँ पर। एक और रन यहाँ पर होता हुआ कंप्लीट यहाँ पर। भारतीय टीम यहाँ पर जब तेज खेलती है तो बेहतरीन खेलती है वहाँ पर, किसी फील्डर को मौका नहीं दिया वहाँ पर। जी हाँ दोस्तों, कितना अच्छा शॉट वहाँ पर, कजीश्वर अबाड़ा 12 बॉल पर 28 रन की दरकार। भारतीय टीम मुकेश कुमार एंड रविंदर जड्डू जरूर मौजूद है, विकल्प वहाँ पर अच्छे हैं भारतीय टीम के पास, क्योंकि वो तेज कर सकती है वहाँ पर। बेहतरीन टाइमिंग, पहली बॉल वहाँ पर। जी हाँ दोस्तों, रविंदर जडेजा को वहाँ पर वो दिया है, क्या बोला, आप खेलिए क्योंकि आप जमे हुए और मैं अभी आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, अच्छी सोच वहाँ पर, लेकिन रविंदर जडेजा 4 बॉल पर 3 रन बनाकर खेल रहे हैं। अब वो गेयर चेंज करने वाले हैं, मुझे पूरा भरोसा है रिंकू, वो रविंदर जड्डू पर। फुल टॉस, नहीं आई बल्ले पे नहीं आई। जी हाँ दोस्तों, कोशिश की थी वहाँ पर लेकिन बल्ले पे नहीं आई वहाँ पर, क्या बात है। ये भारतीय टीम है, ये जब ऐसी टीम रहती है तो यहाँ पर बहुत मजा आता है ऐसी बल्लेबाजी देखकर यहाँ पर, क्या बात है। इस बार अगली बॉल यहाँ पर तैयार है रविंदर जड्डू। जी हाँ दोस्तों, इस बार स्टंप के बाहर निकले हैं, सामने खेला है, फील्डर मौजूद नहीं, गैप में 1 बाउंस 4 रन। जी हाँ दोस्तों, अभी जो यहाँ पर डाली थी ये भी फुल टॉस और बल्ले पे इतनी अच्छी आई नहीं वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर खड़े खड़े खेला रविंदर जड्डू ने, पता था तेज चोट है, किसी फील्डर से नहीं रुकेगा। कितनी अच्छी बल्लेबाजी है ये, बेहतरीन बल्लेबाजी यहाँ पर। जी हाँ दोस्तों, भारतीय टीम लाजवाब बल्लेबाजी करती हुई यहाँ पर, अगर ऐसे खेलती रही
तो कोई भी ऐसी टीम नहीं जो भारतीय टीम को यहाँ पर रोक सकती है। जी हाँ दोस्तों, रविंदर जड्डू एंड सूर्य ओ सॉरी मुकेश कुमार पर एक और स्टंप, यहाँ पर एक और सामने शॉट, एक और चौका वहाँ पर, उनको पता है कि कहाँ पर कैसी शॉट खेलने, पूरा का पूरा यहाँ पर फायदा उठा रहे हैं यहाँ पर। जी हाँ दोस्तों, पूरा फायदा उठाया जा रहा है यहाँ पर, पता था उनको एक फुल टॉस बॉल है और उस पर स्टंप आउट करके वहाँ पर एक और चौका, यॉर्कर की तलाश कर रहे इसलिए वहाँ पर यॉर्कर पढ़ने ही नहीं दे रहे हैं ये बल्लेबाज। बेहतरीन बल्लेबाजी, क्या बल्लेबाजी, टाइमिंग देखी वहाँ पर, बेहतरीन टाइमिंग इस बार बल्ले पर अच्छी आई। रविंदर जडेजा एंड मुकेश कुमार यहाँ पर, जी हाँ दोस्तों इस बार अगली बॉल यहाँ पर तैयार है रविंदर जड्डू, इस बार एक और, इस बार बहुत ही अच्छी बल्ले पाई है, इस बार 6 रन के लिए भेजिए बॉल, ये कजीशोर अवार्डा का महंगा ओवर साबित हो तो वह बहुत ही अच्छा ओवर साबित हुआ यहाँ पर भारतीय टीम के लिए। नजर डालिए शॉट, वेस्ट टाइम बाहर निकले थे वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर ऐसा शॉट मारा वहाँ पर रविंदर जडेजा ने खड़े खड़े। जी हाँ दोस्तों, बेहतरीन छक्का इस बार, फील्डर मौजूद थे इसके ऊपर से 6 रन जड़ दिए यहाँ पर, भारतीय टीम तकड़ी फॉर्म में, लाजवाब बल्लेबाजी करती हुई। जी हाँ दोस्तों, ऐसी टीम यहाँ पर भारतीय टीम अगर जैसी खेल रही है, लगता है कि कोई टीम ऐसी नहीं जिनको रोक पाएगी। इस बार रविंदर जडेजा को चलता गया है, इस बार यहाँ पर पूरा का पूरा कमबैक कर लिया यहाँ पर। जी हाँ दोस्तों, साउथ अफ्रीका ने यहाँ पर जडेजा को चलता किया है, लेकिन तेज खेलते थे उनके लिए एक फुल टॉस, लो फुल टॉस डाल दी, सामने खेलना चाहते थे वो शॉट और विकेट दे बैठे वहाँ पर। जी हाँ दोस्तों, नजर डाली विकेट पर, बल्ले पे फुल लो फुल टॉस थी वहाँ पर, बड़े शॉट तलाश और रविंदर जड्डू का ओ सॉरी वहाँ पर रबाडा का इतना अच्छा कैच, मजा आ गया कैच देखकर। जी हाँ दोस्तों, अच्छी बल्लेबाजी करके गए थे वहाँ पर बल्लेबाज अक्षर पटेल एंड मुकेश कुमार, ऐसे बल्लेबाज जो कि कभी भी दबाव में नहीं रहते हैं। भारतीय टीम 6 बॉल पर भारतीय टीम को जीतने के लिए 13 रन की दरकार यहाँ पर। जी हाँ दोस्तों, मुकेश कुमार अक्षर पटेल पहली बॉल यहाँ पर। जी हाँ दोस्तों, बेहतरीन टाइमिंग इस बात दिशा दिखाई बॉल यहाँ पर, अक्षर पटेल को स्ट्राइक जरूर दिए। जी हाँ दोस्तों, 5 बॉल पर 12 रन की दरकार यहाँ पर भारतीय टीम को जीतने के लिए। जी हाँ दोस्तों, दो बड़े हिट और भारतीय टीम के पक्ष में मुकाबला होने वाला है, तैयार यहाँ पर मुकेश कुमार यहाँ पर अगली बॉल का सामना करने के लिए, सॉरी अक्षर पटेल यहाँ पर। जी हाँ दोस्तों, पहली बॉल अक्षर पटेल यहाँ पर सामना करेंगे, इस बार लेग में बॉल, पीछे फील्डर हवा में, लेकिन बाल बाल बचे वहाँ पर। जी हाँ दोस्तों, एक रन आसानी से कम्प्लीट हो जाएगा वहाँ पर, जानती हो बल्लेबाजी करना वो टीम, जानती है बेहतरीन बॉल बल्लेबाजी करती है टीम। जी हाँ दोस्तों, क्या बल्लेबाजी, लाजवाब बल्लेबाजी यहाँ पर मुकेश कुमार एंड अक्षर पटेल। जी हाँ दोस्तों, इस बार अगली बॉल यहाँ पर तैयार है भारतीय टीम के बल्लेबाज, महान बल्लेबाज, स्टैंप आउट किया है, बल फील्डर को ऊपर से शॉट मारा है, क्या बात है, फील्डर को बीट किया वहाँ पर, बेहतरीन 100 गैप में शॉट, 4 रन के लिए जाता हुआ, कितनी तेज खेल रही है टीम, ये टीम अगर ऐसी खेलती रही तो कोई नहीं रोक सकता उस टीम को। बेहतरीन बल्लेबाजी यहाँ पर, लाजवाब बल्लेबाजी, नजर डाली शॉट पर, क्या शॉट मारा है बल्ले पे, इतनी अच्छी बैठी वहाँ पर। जी हाँ दोस्तों, होती है बल्लेबाजी, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर, 3 बॉल पर 7 रन की दरकार यहाँ पर, तैयार है बल्लेबाज। जी हाँ दोस्तों, अगली बॉल यहाँ पर स्टैंप आउट किया है, बेहतरीन शॉट, प्लेट 6 रन, क्या बल्लेबाजी यहाँ पर मुकेश कुमार यहाँ पर चढ़ते हुए। जी हाँ दोस्तों, लाजवाब छक्का यहाँ पर, बेहतरीन शॉट यहाँ पर, स्टैंप आउट किया और वहाँ पर मुकेश कुमार ने कहा अब इस बार इसको ग्राउंड के बाहर उठा कर लाइए, सिर्फ टाइम करने के लिए देखा, ज़्यादा बड़े शॉट वहाँ पर कोशिश नहीं की बल्लेबाज ने, ये होती है बेहतरीन बल्लेबाजी। 2 बॉल पर 1 रन की दरकार यहाँ पर भारतीय टीम को, जी हाँ दोस्तों, जीत के लिए और तैयार यहाँ पर बल्लेबाज, और इस बार यहाँ पर योर की तलाश वहाँ पर डॉट बॉल। जी हाँ दोस्तों, एक बॉल पर एक तैयार यहाँ पर भारतीय टीम के महान बल्लेबाज अगली बॉल का सामना करेंगे इस बार। जी हाँ दोस्तों, और ये डॉट बॉल, ये सुपर ओवर होगा यहाँ पर। जी हाँ दोस्तों, ये सुपर ओवर होगा यहाँ पर, लाजवाब शॉट खेला था यहाँ पर, ऐसा जी जयसवाल सुमन गिल मौजूद जरूर है। जी हाँ दोस्तों, क्या लगता है ये यहाँ पर टीम यहाँ पर जीत पाएगी, यशस्वी जयसवाल एंड सुमन गिल आए जो कि पहली ओपनिंग करने भी आते हैं यहाँ पर, फॉर्चून ओवर लेकर आए वहाँ पर। जी हाँ दोस्तों, पहली बॉल यशस्वी जयसवाल सामने, पहली बॉल स्टैंप आउट, लाजवाब टाइमिंग, पहली बॉल पर 6 रन जड़ दिए यहाँ पर, क्या बल्लेबाजी है, अगर ऐसे चलते रहे तो भारतीय टीम यहाँ पर रुकने वाली नहीं है। लाजवाब शॉट यहाँ पर जाता हुआ 6 रन के लिए, लाजवाब फॉर्म में यहाँ पर भारतीय टीम। जी हाँ दोस्तों, ये होती है टीम और ये होती है लाजवाब टीम यहाँ पर,
लाजवाब छक्का यहाँ पर जड़ दिया है। जी हाँ दोस्तों, क्या शॉट मारा है, बल्ले पे बहुत अच्छी बैठी। ये सुपर ओवर है जो कि भारतीय टीम बिल्कुल अपने पक्ष में करना चाहेगी है महामुकाबला, क्योंकि यहाँ पर अभी तक आ चुके हैं यशस्वी जायसवाल एंड सुमन गिल। इस बार स्टैंप आउट किया था वहाँ पर, कोशिश की थी लेकिन वहाँ पर बल्ले पर अच्छी आई नहीं, तो रन के लिए भाग दिया गया ना साइंस कम्प्लीट हुआ वहाँ पर। जी हाँ दोस्तों, अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर देखने मिली हमें सुमन गिल एंड यशस्वी जायसवाल। दो बॉल पर 7 रन आ चुके हैं, सुपर ओवर हो रहा है भारतीय टीम का। जी हाँ दोस्तों, कमेंट बताइए, जल्दी जल्दी बताइए कौन सी टीम जीतेगी। सुमन गिल पहली बॉल यहाँ पर सामना करेंगे, इस बार पहली बॉल पर ग्राउंड के बाहर भेजने की कोशिश की, यहाँ पर लाजवाब उठाया हुआ बेहतरीन शॉट, 6 रन के लिए चढ़ दिया यहाँ पर। जी हाँ दोस्तों, क्या बल्लेबाजी है, ऐसी बल्लेबाजी चल रही है यहाँ पर, मजा आ गया शॉट देख कर। बल्ले पे बहुत अच्छी बैठी थी वहाँ पर। जी हाँ दोस्तों, अगर ऐसे चलता रहा तो भारतीय टीम यहाँ पर रुकने वाली नहीं है। टाइमिंग देखिए, टाइमिंग पर नजर डालिए, कितनी अच्छी टाइमिंग कर दिखाई वहाँ पर, बेहतरीन टाइमिंग यहाँ पर 6 रन के लिए जाती हुई, बहुत ही अच्छा शॉट यहाँ पर सुमन गिल। जी हाँ दोस्तों, ऐसे बल्लेबाज जब आते हैं तो फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं रुकते हैं वो। और इस बार अगली बॉल यहाँ पर सुमन गिल ने इस बार खड़े खड़े शॉट को बॉल को पड़ा, एक और हवाई यात्रा पर एक और छक्का सुमन गिल ने, दो बॉल पर दो छक्के जड़ दिए यहाँ पर। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छा शॉट यहाँ पर, बल्ले पे बहुत अच्छी बैठी थी ये बॉल और गई वहाँ पर 6 रन के लिए, कितना अच्छा शॉट यहाँ पर, जैसे बैट पे लगी और 6 रन के लिए जाती हुई, अच्छी बल्लेबाजी, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर। जी हाँ दोस्तों, क्या टाइमिंग थी वहाँ पर, लाजवाब टाइमिंग। इस बार तैयार अगली बॉल का सामना करेंगे यहाँ पर शुभमन गिल। जी हाँ दोस्तों, इस बार स्टैंप आउट, टाइमिंग लाजवाब, शॉट बीच बल्ले पे बैठी वहाँ पर बेहतरीन और ऊंचा छक्का जड़ा इस बार, एक और छक्का 25 रन बना दिए। जी हाँ दोस्तों, भारतीय टीम ने 5 बॉल पर 25 रन स्टैंप आउट किया था उस बॉल पर, और बल्ले पे इतनी अच्छी बैठी थी वहाँ पर टाइमिंग के साथ, 6 रन के लिए बहुत दूर भेजी है बॉल, बहुत ही ज़्यादा दूर थी वहाँ पर। जी हाँ दोस्तों, क्या शॉट मारा है, लाजवाब शॉट यहाँ पर, मज़ा आ गया है शॉट देखकर। ऐसी बल्लेबाजी अगर चलती रही तो भारतीय टीम की कोई टीम उनको रोक नहीं सकती यहाँ पर। जी हाँ दोस्तों, बल्लेबाजी अगर ऐसी चलती रही तो यहाँ पर इस बार अगली बॉल यहाँ पर एक और स्टंप आउट किया है, पीछे फील्डर मौजूद, रन के लिए भाग गए और एक रन आसानी से कंप्लीट किया यहाँ पर। जी हाँ दोस्तों, भारतीय टीम ने यहाँ पर 26 रन का टारगेट दिया है। क्या लगता है दोस्तों, भारतीय टीम यहाँ पर आज कुछ नया कर देखने के लिए पाएगी यहाँ पर, ये तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि जब तक यहाँ पर भारतीय टीम यहाँ पर पहली पारी समाप्त होती हुई। जी हाँ दोस्तों, बॉलिंग करने आएंगे यहाँ पर कौन से बॉलर आएंगे, हरदीप सिंह पहला ओवर लेकर आएंगे, मतलब स्पिनर वो सिराज पर भरोसा नहीं जताया और हरदीप पर जताया यहाँ पर, सूर्य कुमार यादव ने अलग करने का यहाँ पर प्रयास किया है। पर जी हाँ दोस्तों, तैयार है यहाँ पर बेहतरीन बॉलिंग के साथ आते हुए हमारे सबके प्यारे बॉलर यहाँ पर, ओ यॉर्कर की तलाश वहाँ पर, पहली बॉल गैप में लेकिन वहाँ पर पकड़ लेंगे आसानी से बॉल को। जी हाँ दोस्तों, बेहतरीन बॉलिंग यहाँ पर, क्या पकड़ा है, 2 रन दिए हैं पहली बॉल पर यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं, दो दो बॉल से तो ये जीत नहीं रहे यहाँ पर, कितनी अच्छी सोच पर नजर डाली, मजा आ गया सोच देख कर हरदीप सिंह। जी हाँ दोस्तों, इस बार अगली बॉल तैयार है, बेहतरीन बॉलर है हरदीप सिंह। जी हाँ दोस्तों, बॉलिंग अच्छी है, इस बार छोटी बॉल, लेग में शॉट, गैप में शॉट, 4 रन जड़ दिए यहाँ पर। जी हाँ दोस्तों, भारतीय टीम यहाँ पर खतरे में जरूर दिख रही है, क्योंकि 4 बाउंड्री का यह मुकाबला है, जो कि 4 बॉल बाकी है, अगर यहाँ पर 4 बॉल अच्छी पड़ी, छोटी बॉल थी वहाँ पर, लगना सोच रहे थे वो बल्लेबाज ये शायद शरीर पे ना लग जाए, लेकिन वहाँ पर गई वो गैप में शॉट। जी हाँ दोस्तों, अच्छी बल्लेबाजी है, बेहतरीन बल्लेबाजी यहाँ पर, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी, क्या शॉट मारा ये, जानते हैं वो बॉल बल्लेबाजी करना। जी हाँ दोस्तों, इस बार अगली बॉल यहाँ पर तैयार, इस बार भी छोटी बॉल, पीछे फील्डर मौजूद, लेकिन रोक पाएंगे वहाँ पर। जी हाँ दोस्तों, इतनी गति नहीं थी शॉट में कि यहाँ पर कुछ और करने के लिए देख पाए वो, जानते हैं बल्लेबाजी करना, बहुत अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर सूर्य वो क्विंटन डिकॉक एंड टेम बबूमा है, जो कि बेहतरीन बल्लेबाज बॉलर है। जी हाँ दोस्तों, इस बार अगली बॉल यहाँ पर तैयार, हरदीप यहाँ पर चो, यहाँ पर एज लगाए, ओ बाल बाल बचे, कितना तेज शॉट जड़ा यहाँ पर, कितना तेज यहाँ पर ली, बाल बाल बचे, एज लगाता वहाँ पर उस बॉल पर। जी हाँ दोस्तों, ये होती है बॉलिंग, अगर ऐसे ही करती रहे तो यहाँ पर भारतीय टीम चटका देगी विकेट। ओ इस बार यॉर्कर की तलाश, अपील बेहतरीन अपील यहाँ पर, क्या लगता है दोस्तों, आउट होंगे यहाँ पर नहीं, एम्पायर का फैसला यहाँ पर, भारतीय टीम इस मुकाबले में तो पूरी पूरी हावी हो चुकी है, लेकिन एम्पायर ने कहा वहाँ पर नहीं, कोई बात नहीं, वो आउट नहीं है, आप
आप बिल्कुल भी खाम हमें परेशान ना करें जी। हाँ दोस्तों, इस बार हरदीप सिंह ने यहाँ पर लगी है बॉल, बहुत बुरी लगी है, लगी है बॉल और रन के लिए नहीं भागे वहां पर। जी हाँ दोस्तों, नहीं भागे, नहीं भागे, नहीं भागे, और एक रन आसानी से जीते हो। भारतीय टीम ने इस मुकाबले को जीत लिया। जी हाँ दोस्तों, इंडिया वॉन इन सुपर ओवर। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों, बाय 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 और बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेंगे।